अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम इस कोविड-19 कोरोना वायरस से कई महीनों से जूझ रहे हैं, ये बात हम सब लोगों के बीच में है। हम सब जानते हैं कई सारे लोग मर चुके हैं, कई सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, कई सारे लोग हॉस्पिटल्स में अपनी जान से जूझ रहे हैं। इस दौरान एक ख़ास बात नज़र में आई, इस दौरान एक ऐसी बात जहाँ पर कहने के लिए, सुनने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है, डॉक्टर्स को लेकर। कई सारे डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की बाजी खेल करके लोगों को बचा रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं, मर गए हैं। लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो घर में छुपे बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ है, एक बहुत ही भयानक चीज़ है, जो डॉक्टर्स अपना फ़र्ज भूल गए हैं। कई सारे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक अपना ओपन नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको अपने जान की डर है। ये अक्सर भूल जाते हैं वो डॉक्टर्स जब वो अपना औत अपनी कसम लेते वक्त एक मरीज़ की जान बचाने के लिए जो दावे करते हैं, ये भूल जाते हैं। कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना फ़र्ज भूल करके, अपनी जिम्मेदारी भूल करके घर में बैठे हैं, अपनी क्लिनिक ओपन नहीं करते, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होते। कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को लेने से इनकार करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी रेपुटेशन को, अपनी जान, अपने स्टाफ को दांव पे लगाकर कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। मैं उन डॉक्टर से, उन हॉस्पिटल से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए एक इंसान की जान बचाइए। आप भी एक इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है जो कोविड-19 इन्फेक्टेड है। उसको आपकी ज़रूरत है। एक आम आदमी वो ट्रीटमेंट, वो चीज़ें, वो सहूलतें मुहैया नहीं करवा सकता जो एक डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कर सकता है। आपकी लोगों को ज़रूरत है। एक डॉक्टर कई सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ईमानदारी वाली चीज़ है, आपको करना चाहिए। घर से बाहर निकलिए, आपके लिए सारी सहूलतें हॉस्पिटल्स कर रही हैं, सारे प्रोटेक्टेड स्टफ़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जान बचाने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।